साड़ी गड्डी थोड़ी चौड़ी आ सिंपल आ गड्डियां तो। राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। आ गया आपका अपना जतिन राजपाल। तो आज हम चल रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली। तो मिलते हैं आपको सीधा बिना किसी देर के बाइक पे। तो चलिए बंगला साहिब। जाम जाम जाम। मेरे को लग रहा है लेफ्ट साइड से जाके ही कुछ हमारा बनेगा, क्योंकि राइट साइड पे तो पूरा फुली जाम है। तो इंडिकेटर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके लेफ्ट साइड में दबाते हैं। सोचते हैं कहीं से रास्ता बनेगा। भाई साहब मैप लगा रहे हैं, मैप ही नहीं लग रहा है इनसे। तो हमें रास्ता मिल गया है, तो लेफ्ट साइड में आगे थोड़ा दबाया है, कच्चे में से चलाएंगे और जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। भैया थोड़ा रास्ता दे दीजिए हमें। हम पहुंच चुके हैं शादीपुर। जिसकी शादी नहीं होती आ जाओ शादीपुर, करवाओ शादी। नाम देख लो कैसा रखा हुआ, शादीपुर। वाह जी वाह। इनको कोई ढंग का नाम नहीं मिला होगा, इसी करके कह दिया टाग लाया भाई शादीपुर। जिसका कल्याण नहीं होता आ जाओ भाई। असी पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। अंदर चलते हैं, पार्किंग च गड्डी लाने हैं तो तुहानू भी दर्शन कराने हैं। तो पहले अगर चलने आ जी। ए बाबे आली, साड़ी गड्डी थोड़ी चौड़ी आ सिंपल आ गड्डियाँ। तो हम बैक साइड में हैं गुरुद्वारा साइड के, और पार्किंग इसकी फ्रंट साइड पे है। तो पार्किंग में जाएंगे, गड्डी में लगाएंगे। नीचे जाओगे पार्किंग के नीचे। तो आज भीड़ बहुत है और हमें पार्किंग लगाने के लिए 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे। तो आराम से चलते हैं आगे। इनकी अंडरग्राउंड में पार्किंग है। श्री अकाल जी, श्री अकाल, श्री अकाल, श्री अकाल। तो हम गाड़ी को ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से निकलने में दिक्कत मत हो। असी पहुंच गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। और जैसे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ रश कितना है। तो चलिए अंदर दर्शन के लिए अभी लाइन में लगेंगे। पहले सिर पे कपड़ा डालते हैं और हाथ पैर धोते हैं। तो प्रसाद ले लिया, चलते हैं अब अंदर माथा टेकने बाबा जी के कोल। Yeah.
दर्शन कर आए हैं और यहाँ सरोवर पे आ चुके हैं। सरोवर की परिक्रमा करते हैं, पहले छीटा लेते हैं यहाँ से। सतनाम दर्शन कराए हैं बाबा जी के, परिक्रमा भी लगाए हैं सरोवर की, और अब हम भंडारे की तरफ चलते हैं। लंगर छकाएंगे तो चलाएंगे। लंगर वाली लाइन में भीड़ बहुत थी तो हम लेट हो जाते, तो अब चलते हैं घर की तरफ। ओ जी, साडा प्लान हो गया जी चेंज। असी दिल्ली आए हुए सी ते घर वापस जान की तैयारी कर रहे सी, तो उन्हें विराद है मैं चलना एम्बियंस मॉल गुड़गांव, तो मैं कहा चलो जी चलो चलते हैं वहाँ। अपना भाई, एक और भाई है अपना मानव राजपाल, तो उसको वहाँ से एम्बियंस मॉल गुड़गांव रहता, वो एम्बियंस मॉल आएगा, तो वहाँ से तीनों मिलके एक्सप्लोर करेंगे एम्बियंस मॉल का भी। और वहाँ पे सुनने में बॉलिंग वगैरह सब कुछ है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो जी असी पहुँच गए हैं गुड़गांव, DLF साइबर सिटी में आपका स्वागत है। तो यहाँ से हम तो मानव राजपाल जी को उठाना है, मतलब बाइक पे बिठाना है। ओके सर, तो हमने पीछे गूगल मैप बिठा रखा है, वो बोलता रहता है आगे से लेफ्ट पीछे से राइट। ओ भाई, मिलते हैं आपको भाई के पास पहुंच के। छोटा भाई है मानव राज का, चलो इसको थोड़ा शक्ल सुधार करवा के लेके चलते हैं साथ, है ना भाई, चलो। 15 मिनट्स लेटर भाई को बिठा लाए हैं और अब से चल रहे हैं एम्बियंस मॉल, थोड़ा घूमते हैं। और भाई ने फ्लैट चेंज करना है और देखने के लिए जाना है दिल्ली, तो हम इधर से झज्जर निकल के गोहाना, भाई दिल्ली चला जाएगा। हमारे पास थे दो दो हेलमेट, सेटिंग करने में भाई साहब तेज है। 50 रुपये गार्ड को दिए, हेलमेट वो संभाल रहा है। तो चलो ऊपर चलते हैं और मास्क लगा ले भाई, 500 का चलान अंदर। एंट्रेंस हो चुकी है और कहाँ लेके चल रहे हो सरकार सबसे पहले हमारे को? फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट, फूड कोर्ट। तो सबसे पहले पेट पूजा, बाद में काम दो जाए। ओए खोल दिए वाह बेटे, पकड़ो बांध लेते। ये भाई साहब लेसेस खोल दिए भाई साहब ने मेरे हैं। चलो चलता है, भूख जबरदस्त लग रही है, चलते जाओ। तो यहाँ पे
खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा थर्ड फ्लोर खाने के लिए बना हुआ है। हल्दीराम वगैरह सब कुछ है यहाँ, है नहीं? हल्दीराम, KFC सब कुछ है, डोमिनोज। थर्ड फ्लोर पूरा इसका है, थर्ड फ्लोर फूड कोर्ट। और यहाँ देख सकते हो सब कुछ हल्दीराम, आगे मैकडी भी है और बर्गर किंग वगैरह सब कुछ है। और उससे ऊपर टाइम जोन, ये गेमिंग वगैरह वन सेट कम्प्लेट। असी बाल तो है नहीं खेलेंगे, बाकी फिर भी चलने अंदर, आपको तो दिखाएंगे ही। क्या हो सकता है, हमारा कुछ होगा? हमारे मतलब का कुछ नहीं है यहाँ, सब बच्चों के खेल हैं। खेलेगा चलाएगा भाई, बचपन में 5-10 रुपए लेके गेम खेलते रहे जाते। और यहाँ पे भाई साहब 100-100 रुपए में चलते हैं। चलो हम जो करेंगे वो कुछ बड़े वाला करेंगे, छोटे में मजा नहीं आता हमें, तो चलो आगे चलते हैं। वो अभी गेमिंग जोन में जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे। यहाँ हमारे मतलब की थोड़ी गेम मिलेंगी, लगता है कुछ खर्चा करने का फायदा होगा। चले आओ ना, तो यहाँ कुछ है हमारे मतलब का है जो। तो यहाँ बॉलिंग चल रही है, चलो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और घर की तरफ निकलते हैं, फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे। और मैकडी में भीड़ देख सकते हो कितनी है, पूरा फुल है। तो 5-7 मिनट में अपना ऑर्डर आएगा और खाते हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चल रही है पार्टी, खाते पीते हैं और यहाँ पे महंगी बातचीत। कैसे स्कैम है हमारे साथ, बहुत तगड़े वाला। तो देख सकते हो आप ये कॉफ़ी कितने की है। यहाँ हुआ है हमारे साथ स्कैम, मैंने ओरियो शेक पीना था, ओरियो शेक बिना रेट पूछे मैंने ऑर्डर किया और मेरी लग गया उस वहाँ पे। तो वहाँ पे भाई साहब जब उनका बिल निकला तो बिल 702 रुपए का, एक ओरियो शेक 702 रुपए का। मैं कहा चलो भाई साहब कोई बात नहीं दे दो। तो अब पी आए हैं और चल रहे हैं, तो आपको मिलते हैं आगे। थोड़े ही देर में घर पहुँच जाएंगे, 1-2 घंटे में। चलो बाइक पे मिलते हैं आपको। तो अब हम चल रहे हैं गोहाना की तरफ, यहाँ से सीधा बार और सीधा हाईवे पे चढ़ के मिलते हैं आपको आगे। हाँ 1110। तो भाई को छोड़ के मेट्रो स्टेशन, तो अब हम निकले हैं वापसी घर के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको गुड़गांव से बाहर निकल के। तो जी अपना दोबारा बाइक का टायर पंचर हो चुका है। लास्ट टाइम हम रोहतक गए थे जब भी पंचर हुआ था, तो अब यहाँ पंचर लग रहा है। और अपनी बाइक ये पेड़ के पीछे खड़ी है, तो मैंने भाई को पहले बोला था
भाई इसकी ट्यूब चेंज करवा ले। इसके अंदर ये छोटी सी ट्यूब लगी हुई थी जो ये रखी है स्प्लेंडर की, तो भाई ने कहा कुछ नहीं होता, चल चलते हैं, देखी जाएगी। तो भगवान ने भला करा, दोबारा पंचर जहाँ हुआ पंचर की दुकान आ गई थी, तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। और अब ट्यूब ही चेंज करवा दी मैंने, खुद ही ट्यूब चेंज करवा दी। अब तो कोई टेंशन नहीं है पारुल, अब तो कोई टेंशन नहीं है। चलो टायर फिट करवाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको आगे। पंचर लग चुका है, टायर कम से कम आधे घंटे में फिट हुआ भाइयों से, और आज हमने इसकी ट्यूब ही चेंज करवा दी उठा के। भाई साहब रोज के झंझट से परेशान है, तो इसकी ट्यूब चेंज कर दो आप। तो यहाँ से सनसेट का नज़ारा थोड़ा बहुत बढ़िया आ रहा है, तो आपको क्या पता दिख रहा है या नहीं, तो मुझे तो दिख रहा है भाई साहब, मैं भी आपको दिखा दूंगा थोड़ा जूम करके। तो नाइट हो गई है और मिलते हैं आपको गोहाना पहुंचने के बाद, तो चलिए थोड़ा टाइम लैप्स देखिए। गोहाना में हमारी एंट्री हो चुकी है और थकावट हो चुकी है आज बहुत तगड़े वाली। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बाकी मज़ा पूरा आ गया आज दिन में, पूरा दिन बढ़िया आ गया है बिल्कुल। वापसी जाम भरी जिंदगी में पहुंच चुके हैं। फुआरा चौक, तो घर पहुंच चुके हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।